राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, फिर आप जो सरपंच के उम्मीदवार हैं उनके पास आ गया हूँ। अरे भाई, जहाँ तक भाई अपन सुनी भी है, नुका है सबसे कम उम्र का जो कि है उम्मीदवार है। अरे भाई, घोषणा पत्र भी मैं दिखाऊंगा। ये घोषणा पत्र है, अपनी जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी डाल देंगे। और भाई, वादे हैं पूरे कर रखे भाई ने, आखिर ये वादे हैं पूरे हो पाऊंगे या नहीं हो पाऊंगे वो तो भाई बाद की बात है। फिलहाल भाई, भाई का नेचर बहुत ही बढ़िया, और भाई दिन रात भाई मेहनत कर रहा है। भाई आज टाइम मिला है, देख लो कई दिन हो गए, आज टाइम मिला है। और भाई ने कही स्पेशल कि सुंदर भाई आ जाओ, और आज भाई का प्यारा सा इंटरव्यू करांगे और बात करांगे, आ जाओ। और चेहरा दिखा दूँ मैं, जो कि भाई कुलदीप भाई साहब। राम राम। राम राम सुंदर भाई, बड़े बिजी चल रहे हो हैं। के खरा भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, देखो सबसे पहले तो ये बताओ, बुजुर्ग का कितना आशीर्वाद मिले? बहुत बढ़िया, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा सुंदर भाई, और युवा का भी बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है जी भाई। हाँ, अच्छा तो ये बताओ, गांव में बोर्ड लाओगे या फिर सेंटर लाओगे? गांव में बोर्ड वो सेंटर भी लावांगे भाई, और प्लस टू तक का के नाम लड़किया का भी स्कूल की व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि लड़किया का तो है ही है, और लड़किया की नॉन मेडिकल की भी मेरे हिसाब से अपने गांव में नहीं है, उसकी भी कार्रवाई अमल में लावांगे भाई जरूर। अच्छा, गांव में घूमो हो के समस्या लग गए? गाँव में देखो, वैसे तो गली गलिया की तो लगभग कोई समस्या नहीं है गांव में, पीछे भी लगभग काफ़ी काम हुए हैं गलिया के, तो बहुत कम समस्या गलिया की। तो गांव में मेन समस्या है तो जोड़ा की है, धर्मशालाएं भी काफ़ी जगह देखी हैं खंडर हो चुकी हैं भाई जी, वो भी मेन समस्या है। एक गरीब परिवार ने भी बड़ी समस्या रही है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहे गाँव में, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। एक जो घर मकान, आज पहले तो सरकार 90,000 दिया करती, आज घर के 2.5 लाख रुपए देने लगी है, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग वंचित रह रहे हैं, गरीब परिवार हैं जो, उनके कुछ तो बेचारे वैसे अनपढ़ रह जा हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। ये आदमी काम छोड़ के अपनी दिहाड़ी पर जावा है, ऑफिस आके चक्कर काटा है। अगर गाँव में कोई मजबूत आदमी सरपंच बना है तो उनकी बात अफसराती पूछाओगा, उनका समाधान करवाओगा, ठीक है, नहीं तो अपना पता है चक्कर पर चक्कर कटवाई जाओ, उस तक काम नहीं मिल पा रहे जी भाई। आद तो बताओ कुलदीप भाई, जो आपने घोषणा ये करी है ये पूरी हो पाऊंगी? ये घोषणा तो भाई साहब बहुत वह है, कम है, इन तभी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करांगे। अच्छा। ये घोषणा तो नॉर्मल घोषणाएं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। देखो, ये तो एक मैंने अपना वो रखा है प्रस्ताव में, ये तो छोटी सी घोषणा, ये तो करवानी ही करवानी है, और जो मेरे मन में है बहुत बातें हैं जो इसी, और आज तो घोषणा अपन जारी कर दी, ये तो करनी ही करनी है। अच्छा। और भी समस्याएं जिस तरह आप जो आज तक अपने तक पहुंची भी नहीं है, लोग बताओगे उनके बारे में भी पूरा विचार करांगे, सारी समस्या का समाधान करवाएंगे भाई। तो भाई मैं बता दूं, अगर ये घोषणा देखो भाई का है, ये घोषणा तो नॉर्मल है, ये तो मैं करवाऊंगा, और भाई जो ये घोषणा है ना, ये मेरे हिसाब से छोटी घोषणा कोनी भाई। अगर ये बनने के बाद ये घोषणा भाई ने करवा दी तो भाई अगली बार भाई ने कोई नहीं रोक सकता सरपंच बनने खातिर। चलो, वो तो देखो, गाम राम जिसने आशीर्वाद देगा वो अगली बार भी मनेगा, उस तक अगली बार भी मनेगा। एक जगह पापी बैठ जाएंगे तो फिर और भी युवा शक्ति, युवा सोच है, वह भी बोर के आपा इसने रिजर्व कर दें अपनी खातर, तो और बच्चे भी तो फिर नहीं आगे बढ़ पाऊंगे। अपन नु थोड़ी अपनी यह लाइन है, भगवान की दया तो काम बढ़िया चल रहे हैं, एक बार चलो देखा, कोशिश करके देखा के रह के नहीं रह है, मन में थी कई दिन तक। अच्छा। तो बुजुर्गान आशीर्वाद दिया, युवा का साथ रहा, तो मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पहला इलेक्शन है आपका? हाँ, पहला इलेक्शन है भाई जी। अच्छा। अरे सोची कुकर में इलेक्शन लड़ू सरपंच का? सोची तो बस वैसे गांव तक जुड़े ऑफिस में, क्योंकि मैं ठेकेदारी का काम करूँ हूँ, निगमा में करूँ हूँ, पंचायती राज में भी करूँ हूँ, देखा मैंने सरपंच तो बन के चले जा है, लेकिन गरीब आदमी ने बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा है। ये सरपंच बन के चले जा कई दिन तो वैसे इनकी हिचकचाट खत्म को नहीं हुआ, अगे फिर कई आगे सबकी अलग अलग सोच है, आज तो मन गए फिर वो अपनी अलग अलग प्लानिंग करण लग जा है, लोगों की समस्या का ज़्यादा ध्यान भी कौन देंदे, देखा मैं बीडीओ ऑफिस में काफ़ी दिन बैठा हूँ, ठीक है जी। बहुत आदमी सरपंच की
उस तक कार्य प्रणाली तक संतुष्ट को नहीं होंगे। ठीक है, देखा तो भाई आपा बात करा जो कि है भाई कुलदीप की, तो भाई ना गांव में भी काम करवाए हैं। हाँ कुलदीप भाई काम करवाए हैं। हाँ भाई एक बार मौका मिला है, 1.5-2 साल का मौका मिला, उसमें काफ़ी काम करवाए हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो जो आप कह रहे हो कि भाई हमें जो ये घोषणा पत्र हैं ये काम करांगे, अगर काम नहीं हो पाए तो दोबारा वीडियो बना सका आपकी? हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो खुला कहूँ आप वीडियो बनाइयो, हर महीना इंटरव्यू लियो, कोई समस्या है जैसे मेरे तिसदी की समस्या नहीं पहुँच पावे, क्योंकि कई आदमी रह जा भाई नहीं पहुँच पावो, शर्मांदे रह जा, कुकर भी रह जा नहीं पहुँच पावे, या मेरे मैं नहीं समझ पाऊँ उसकी समस्या, तो आपका माध्यम तक जरूर आइयो, लिख के ले आइयो समस्या, उनका उरे बैठ के समाधान करांगे, साथ में लेके आइयो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। बिल्कुल, और भाई ने बताई ही इसमें लिख भी रखे हैं जो गरीब परिवार हैं उनके प्लाट हैं और भाई मकान है, विक्की भाई बन नहीं पाते ये वादे पूरे ना भाई, विश्वास करके देखो, एक बार मौका देके देखो, आशीर्वाद देके देखो, जरूर अगर कोई कमी पाओगी तो आके आप मने बताइयो। सबसे बड़ी बात तो मैं उम्र में काफी छोटा हूँ, लगभग भाई मेरी 32 साल उम्र हुई है, 1990 की डेट ऑफ बर्थ है, तो इतना तो रखे हैं बुजुर्ग आके पूछ लेंगे भाई खड़ा हुई छोरे बता केस वो, आज तू उस दिन तो घर घर चक्कर काटे था, आज तू घर ने बैठ गया दरवाजा बंद करके, तो अपन वो दिन आन नहीं देंगे भाई साहब। हाँ बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात है भाई साहब, इसमें अच्छा। कोई वो नहीं है भाई, आपके साथ में विक्की भाई रहा है। हाँ विक्की रहा है, मनु को हूँ भाई विक्की, जो आपने पीछे वीडियो देखी होंगी मेरी, वीडियो देख के भाई ने 15,000 रुपये की तो एक मदद कर रखी है, और एक गरीब परिवार की भाई ने स्पेशल वीडियो देखी होगी, भाई ने मदद कर रखी है, और वो भाई किसके गली रहा है, कुलदीप भाई गली रहा है, तो भाई देख लो मतलब उसकी भी यही सोच है, और गाँव में भाई पौधे भी लगाए हैं विक्की ने, और जो कोई भी समस्या हो छोटी मोटी भाई वो समस्या जो विक्की है वो भाई करा भी है दूर, और भाई बिना नू को नहीं भाई किसी तय ले लिए ना अपने खुद के उस पर, और छोटी मोटी नौकरी करा है नू को नहीं कोई बड़ी नौकरी, अगर उनकी यह सोच है वो इसका गिल ले रहे हैं तो किमिन किम बात है, और बुलाना चाहूँगा एक बार विक्की भाई ने इस साइड ना हो, तो यो वो विक्की है भाई पहली बार अपनी वीडियो पा है, विक्की राम राम। राम राम भाई सुंदर भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल, देख लो भाई आपने देखा नहीं होगा यो चेहरा, लेकिन मेरी वीडियो देख के भाई ने मदद करी है और जी खुश हो गया, और एक अकेले ने मदद करी है, तो विक्की बार का भाई कुलदीप के बारे में बताओ। भाई कुलदीप भाई मेरी सोच से भी बढ़ के है। अच्छा ठीक है, तो मेरी सोच तो एक छोटी है, कुलदीप भाई की बहुत अच्छी सोच है, जितने भी मैंने कार्य किए हैं गांव में या गांव के बाहर, तो उसमें कुलदीप भाई ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया बहुत ज्यादा पूरे, तो इब आगे मान लो कह रहे हैं हम तो अपना काम में ज्यादा व्यस्त रहा हाँ, लोग पहुंच भी नहीं पाते जिस तरह काम करी जावा हाँ, इब सरपंच का चुनाव लड़ांगे, सरपंच बाबा आशीर्वाद दे, बाबा धुनियाले की वजह तो बना हाँ भाई बुजुर्ग आशीर्वाद दे, तो पूरा टाइम गांव में देवांगे। ये विक्की आवा है, विक्की अपने मारुति प्लांट में मानेसर नौकरी कर रहा है, हफ्ते में एक बार आवा है, तो ये गांव में ज़्यादा घूमे है, लगाओ गाँव में गौशाला तो बहुत गौशाला में ज़्यादा लगाओ इसका, यो पोचा है अस्पताल में बहुत, इसने पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ पौधे के प्रति भी ज़्यादा लगाओ इसका, यो घूमे है तो यो हमारा जो भी समस्या लेके आओ हमारे पर जिसा हो सका हम इसका सहयोग करा। बिल्कुल, वैसे बचपन के दोस्त हम, नाते में मेरा चाचा लग गए, लेकिन दोस्ती है भाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, चलो राम राम। ठीक है विक्की भाई, ठीक है भाई सुंदर। एक अपील और करना चाहूंगा सुंदर भाई आपका चैनल का माध्यम से, सारे बुजुर्ग आती युवा आती, एक अपील है मेरी स्पेशल, देखो इलेक्शन आनी जानी चीज है, यो तो आज नहीं 5 साल बाद, आज होगा 5 साल बाद फिर हो जाएगा, भाई सब तय एक अपील है, शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाइयो, कल न कोई ऐसी घटना नहीं घटा जो एक भाई बहुत बड़ा विवाद बन जा, अपना गांव पर कलंक लग गया, क्योंकि अब अपने गांव का इतिहास रहा है, मैंने सुना भी है बुजुर्गाती, 2 इलेक्शन मैंने खुद भी देखे हैं, बड़ा शांति प्रिय इलेक्शन हो है जी। हाँ ये 5 साल बहुत जल्दी निकल जा है, अपना भाईचारा खराब ना करियो भाई, ठीक है, सब ताज जोड़ के यही विनती है मेरी भाई। राम राम भाई जी। तो भैया वीडियो अपने किसी के लगी, और कुलदीप ठेकेदार के बारे में क्या कहना है, और जो घोषणा पत्र है इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वह जरूर दिए भाई, और वीडियो ना भाई पूरी देखा करो, नो नहीं भाई आधी देख ली, वीडियो पूरी देखा करो कि के कुछ कही है लास्ट तई, तो और भी वीडियो अब तक दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।